नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ विरल लेहरी, हुलकासागर विद्याभवन में आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया वीडियो लेक्चर पाठ त्रणनी एक थी पांच प्रश्नों सुधी पूरी गया। हवे आपणे आगळ जोईए प्रश्न पांचनो चौथो सवाल। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? जवाब लिखिए, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है, वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। पांचवा सवाल, अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? जवाब लिखिए, अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसको समय लगता है। छठो सवाल, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? जवाब लिखिए, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। अगर प्रश्न छ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? जवाब लिखिए, सुनीता ने अप्रैल अल्पविराम 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शेनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। अगर सवाल नंबर 2, सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है? जवाब लिखिए, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार
गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। आगल जो ये 18 नंबर ना पेज पर सवाल नंबर 3, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? जवाब लिखिए, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर अल्पविराम 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इसी प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। अगर लिखिए सवाल नंबर 4, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, इसके बारे में आपका क्या मत है? जवाब लिखिए, बुद्धि, अल्पविराम, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। विद्यार्थी मित्रों, आगल जोइए प्रश्न 7, चित्रों के आधार पर काव्य लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपने एक फूलनो चित्र आपेलू छे, तेना आधारे आपड़े एक पंक्ति बनाविए। चलो तो लखिए, कितना सुंदर प्यारा फूल, अल्पविराम करवानू। नीचे बीजी लीटी में देखो, रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। हवे जोइए आगळ प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। पहलू छे साधु, तेनु थशे साध्वी। बीजु छे कुत्तिया, तेनु थशे कुत्ता। त्रीजु छे युवक, तेनु थशे युवती।
चौथु छे पुत्र तेनु थशे पुत्री, पांचमो छे पड़ोसी तेनु थशे पड़ोसी, छठू छे बाघ तेनु थशे बाघीन, सातमो छे ठाकुर तेनु थशे ठकुराइन, आठमो छे सन्यासी तेनु थशे सन्यासीनी, नवमो छे सम्राट तेनु थशे सम्राज्ञी, दसमो छे वर तेनु थशे वधु, अग्यारमो छे पुरुष तेनु थशे स्त्री, बारमो छे पिता तेनु थशे माता। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळनो पाठ आगळना वीडियो लेक्चर में जोईशुं। अस्तु।